Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्या नंबर 12 में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक संबंध के बारे में जिसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के नाम से जानते हैं चलिए देखते हैं क्या क्या विषय होंगे जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे औद्योगिक संबंध की अवधारणा या औद्योगिक संबंध का अर्थ एवं परिभाषा क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध के उद्देश्यों की आईआर के लिए दृष्टिकोण क्या है क्या क्या अप्रोचेस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं जनरली हम यहाँ पर तीन तरीके की अप्रोचेस को स्टडी करेंगे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आई में सुधार के लिए कुछ सुझाव और उपायों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से औद्योगिक संबंध को हम और बेहतर बना सकते हैं किन उपायों को हम अपनाकर कर अपने संगठन में जो रिलेशनशिप्स हैं इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच को उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है अच्छे संबंधों का महत्व क्या है अगर किसी संगठन में इम्प्लॉयी एम्प्लॉयर के बीच के अगर रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे हैं आपसी संबंध अच्छे हैं तो उससे संगठन को किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बाद ही हम आगे चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जिसको हम औद्योगिक विवाद के नाम से जानते हैं औद्योगिक विवादों के स्वरूप क्या हैं किन डिफरेंट फॉर्म्स में ये डिस्ट्रीब्यूट्स हो सकते हैं विवादकों के कारण क्या होते हैं औद्योगिक विवादकों को रोकथाम कैसे किया जाए कैसे इसको रोका जाए क्या प्रिवेंशन स्टेप्स हम ले सकते हैं और इनका निपटारा किस प्रकार से किया जाता है तो ये कुछ विषय रहेंगे आज हमारे चर्चा के जिनके बारे में हम बात करेंगे इससे पहले जान लेते हैं कि इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद क्या क्या उद्देश्य आप पूरे कर पाएंगे औद्योगिक संबंध की अवधारणाओं को आप समझ पाएंगे आप समझ पाएंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का कंसेप्ट क्या होता है ये क्या बताता है किस तरीके के रिलेशनशिप्स की हम यहाँ बात करेंगे औद्योगिक संबंध के उद्देश्य और दृष्टिकोण के बारे में भी आप जान पाएंगे आप समझ पाएंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं और क्या अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए आप जान सकेंगे कि कैसे औद्योगिक संबंध सुधारने के उपाय पर हम कार्य कर सकते हैं इसके साथ ही आपको जानकारी मिलेगी विभिन्न औद्योगिक विवादों को इंगित करने के लिए डिफरेंट्स जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स संगठनों में होते हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे आप जान पाएंगे औद्योगिक विवादों के, के कारणों के बारे में क्या रीजंस होते हैं किस काज की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा होता है उन कारणों को आप जानकारी कर पाएंगे आप जान सकेंगे कि औद्योगिक विवादों को कैसे रोका जाए और उनका निपटारा कैसे किया जाता है किस तरीके से उनको सेटल किया जाता है कौन कौन से सेटलमेंट बॉडीज़ हैं इन सब की आपको जानकारी मिल पाएगी इस व्याख्यान से इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि कैसे आप रिजॉल्व करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को और डिस्प्यूट्स को चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से परिचय से इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है औद्योगिक संबंध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक औद्योगिक उद्यम में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों की प्रकृति को संभवित करता है जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो हम सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमारे कर्मचारियाँ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज़ हैं जो कार्य कर रहे हैं और हमारे जो नियोक्ताओं हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके आपसी संबंध कैसे हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का उनका नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप कैसा है इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में आपस में उनके संबंध कैसे हैं उनके संबंधों को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का नाम देते हैं इसके आगे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर टू ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टीज कंसर्न विद द इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिलेशन में जैसा कि हमने कहा ना केवल इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के संबंध है बल्कि हमारे संगठन की जितनी भी पार्टीज़ uh, हैं या जिस भी प्रकार से वो हमारे संगठन से जुड़ी हुई हैं उन सभी के संबंधों को हम यहाँ पर कवर करेंगे जैसे कि इंडिविजुअल रिलेशंस कैसे हैं लोगों के व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं उनके रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एट दी वर्क प्लेस और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आपसी उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उनका जो संबंध है वो किस प्रकार से है और कितना मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के पॉलिसीज की बात आती है आ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मूलेशन की बात आती है तो उसमें उनका कितना पार्टिसिपेशन होता है वो इस बात को भी बताता है कि उनके आपसी संबंध किस प्रकार से हैं इसके अलावा हम जान पाएंगे सामूहिक सौदेबाजी को कलेक्टिव बारगेनिंग किस प्रकार से होती है संगठनों में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर इम्प्लॉई एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से बारगेनिंग कर पाते हैं व्यापार संध कैसा है ट्रेड यूनियंस जब सारे कर्मचारी मिल के एक रत हो जाते हैं जब संगठन एकता में शक्ति होती है उसी प्रकार से वो ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं अपनी एक यूनिटी बनाते हैं जिसको मैनेजमेंट के सामने वो रख कर अपनी बात कह पाएँ उसके बारे में भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके जिसकी मदद से ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री में जो हो रहे उत्पाद हैं या जो भी विवाद हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जाता है उन रिलेशंस के बारे में भी ये बात करता है अनुचित श्रम प्रथाएं क्या हैं जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं अगर कोई संगठन किसी भी कर्मचारी के साथ अगर गलत तरीके से कार्य करा रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही पार्ट होती हैं इंडिविजुअल ग्रीव्यांसिस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या हैं क्या पॉलिसीज़ हैं अगर किसी के मन में कोई विवाद है अगर उसके मन में कोई ग्रीव्यांस है तो वो किस प्रक्रिया से उसको पूरा कर सकता है संगठन की क्या नियम हैं क्या कायदे हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन्स में डिस्कस करते हैं औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण क्या है किस प्रकार से हम संगठन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ट्रेनिंग देते हैं जो हमारे एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप्स को और बेहतर बना सकें इसके साथ ही स्टेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारा गवर्नमेंट है उसका किस तरीके से राज्य की भागीदारी होती है किस प्रकार से वो सुधार लाते हैं संगठन में एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए तो जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो हम इन सारे ही विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं उन सब पे डिस्कस करते हैं जो हमारे संगठन में जिस भी प्रकार से एक एक तरीके से रोल प्ले करता है उनके बेहतर रिलेशनशिप्स को हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं अर्थ और परिभाषा से अगर हम आईआर की बात करें जिसको हम समक्ष रूप से आईआर बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इनके अर्थ और परिभाषा की हम बात करें तो सबसे पहले जो एक डेफिनेशन दी है वो डेल ने दी है और डेल कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कार्य करने के साथ जो उत्पन्न होता है जब आप किसी संगठन में कार्य करते हैं जो रोज़गार आप कर रहे हैं उससे उत्पन्न होने पर जो आपसी संबंध जो आपके बनते हैं आपके कर्मचारियों के साथ जितने भी कर्मचारी हैं और उनके नियुक्तकर्ता हैं उनके बीच में किस प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप बनता है उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कीम दूसरी जो परिभाषा है वो दी गई है आर ए लेस्टर के द्वारा और आर ए लेस्टर अनुसार औद्योगिक संबंध में परस्पर विरोधी उद्देश्यों और मूल के बीच प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा के बीच अनुशासन और औद्योगिक लोकतंत्र के बीच अधिकार और स्वतंत्रता के बीच और सौदेबाजी और कुपर के बीच व्यवहारिक समाधान निकालने के प्रयास शामिल हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो अटैम्प करता है कि कैसे हम सूटेबल वर्केबल कंडीशंस प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में उनको किस तरह से हम प्रोत्साहन राशि देते हैं इंसेंटिवस देते हैं उनकी इकनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं डिसिप्लिन की बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मेंटेन करने की बात करते हैं जहाँ पर उनका एक एक कहने का अधिकार हो अपने राइट्स हो डेमोक्रेसी हो उनके पास और अथॉरिटी एंड फ्रीडम बिटवीन दी बार्गेनिंग एंड कूपर तो इसके बारे में जो भी हम डिस्कशन करते हैं वो सारी ही चीजें हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कवर होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आमूल तौर पे हम तीन प्रकार के बीच के संबंध देखते हैं जिसमें सबसे पहले है क्रमामिक प्रबंध जिसको कि हम आ, पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं प्रबंधों और व्यक्तिगत श्रमिकों के बीच के संबंध को हम पर्सनल मैनेजमेंट का नाम देते हैं जब हम बात करेंगे एक मैनेजर और एक इंडिविजुअल के बीच का जब एक रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है तो उसको पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है इसके साथ ही जब हम सामूहिक सौदेबाजी की बात करते हैं कलेक्टिव रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस के बीच के रिलेशनशिप की बात होती है एक इंडिविजुअल पर्सन का किस प्रकार से मैनेजमेंट से रिलेशन है वो इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई इसीलिए उसको हमने पर्सनल मैनेजमेंट में कवर किया और जब एक साथ जब मिल ट्रेड यूनियन बना दी जाती है या लेबर यूनियन बना दी जाती है उसका संबंध एम्प्लॉयर से कैसा है उसको हम सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं जिसको हम कलेक्टिव बारगेनिंग का नाम देते हैं और इसके साथ ही हमारा आ, श्रम विधान है श्रम विधान जिसको इन संबंधों के नियम से सरकार की भूमिका देखी जाती है जिसको कि हम लेबर रेजिग्नेशन का नाम देते हैं लेबर रेजिग्नेशन वो है जब रोल ऑफ गवर्नमेंट आता है Uh, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से सरकार के साथ हमारे संबंध हैं एक एक एम्प्लॉयर के गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार से संबंध हैं उसको हम बात नाम देते हैं लेबर लेगिस्लेशन का तो तीन प्रकार के हमने यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश की हैं एक हो गया हमारा पर्सनल मैनेजमेंट जिसमें हम एक इंडिविजुअल का मैनेजमेंट से रिलेशनशिप स्टडी uh, करते हैं दूसरा हमारा हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसमें हमारे मैनेजर्स का रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करते हैं विद ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन और तीसरा है हमारा लेगर लेबर लेगिस्लेशन जिसमें हम संबंध के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर और सरकार के बीच में किस प्रकार से आपसी संबंध हैं चलिए आगे बात करते हैं पार्टीज़ की जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसमें किस प्रकार से जो पार्टीज़ हैं कौन कौन इन्वॉल्व होता है किस किस का इन्वॉलमेंट रहता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं सबसे पहले हम अपने कर्मचारियों की बात करते हैं एम्प्लॉयर्स जो नियुक्तकर्ताएँ है, होते हैं सरकार इन तीनों का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसके साथ ही इंप्लॉयर एसोसिएशन जो होती हैं जो आ, एक एसोसिएशन बन जाती हैं एम्प्लॉयर्स की आ, जो अपने एक ग्रुप बना लेते हैं एम्प्लॉयर्स का उसको एम्प्लॉयर एसोसिएशन बोलते हैं और जो एम्प्लॉयज़ अपना ग्रुप बना लेते हैं उसको हम ट्रेड यूनियन का नाम देते हैं और उसके बाद जब हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैं जो मदद करते हैं अगर किसी इम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कोई आपसी संबंध अच्छा नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तरह की कोई चीज़ें पैदा होती हैं या उनके रिलेशनस को और बेहतर बनाने के लिए क्या नियम और सरकार ने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हों उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं तो अगर हम देखें पूर्णा तरीके से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन सारे चीज़ों का इन सारे uh, लोगों का एक बहुत इम्पॉटेंट रोल होता है और ये सारी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें सबसे पहले हमने एम्प्लॉय की बात करी उसके बाद एम्प्लॉयर उसके बाद हमारे आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एसोसिएशन ट्रेड यूनियंस कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की औद्योगिक संबंध के पीछे उद्देश्य क्या हैं जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम समझने की और जानने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन शेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुडविल अमंग दोज पार्टीज इन द इंडस्ट्रीज विच एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आपके संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारी और नियुक्तकर्ताओं के बीच में आपसी जो संबंध हैं वो मधुर रहें और उनके इंटरेस्ट को उनके राइट्स को उनके कार्य को हम प्रोटेक्ट कर सकें तो औद्योगिक संबंध उद्योग में उन पक्षों के बीच में आपसी समझ और सद्भावना के माध्यम से श्रम और प्रबंधन के हितों की रक्षा करना है जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो आपके एम्प्लॉयीज़ के राइट्स को उनके इंटरेस्ट को सेफ करना है और कैसे उनके बीच में आपसी जो संबंध है उनको आप बेहतर बना सकें इसका दूसरा उद्देश्य है टू रेज प्रोडक्टिविटी ऑफ दी इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके कार्य से हमारे जो संगठन है उसमें ग्रोथ हो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े क्योंकि अगर हमारे संगठन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे संगठन को आगे सक्सेस मिलेगी और हम मार्केट में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे तो ये जो आपसी संबंधों में सुधार की बात हो रही है और बेटरमेंट की बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है इसी उद्देश्य के साथ हो रही है कि हमारे संगठन में कार्य की प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएँ इसके साथ ही किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें उसको हम ओवरकम कर सकें इस रिलेशनशिप को हम बेहतर इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद ना हो उनको हम ओवरकम कर पाएं। इसके लिए हम अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं इसके पीछे ये भी उद्देश्य है कि हमारा लेबर टर्नओवर रेट और एब्सेंटिज्म रेट जो है वो कम से कम हो लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है जब आपके संगठन से लोग जल्दी जल्दी छोड़ कर जाते हैं या लोग छुट्टियाँ ज़्यादा लेते हैं तो अगर छुट्टियाँ लोग ज़्यादा लेते हैं तो उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो संगठन में कार्य करने में संतुष्टि नहीं मिल रही है उनको वो कार से अपने सेटिस्फाइड नहीं है जिसकी वजह से उनका जो मोरल है वो डाउन रहता है और यही कारण होता है कि वो संगठन को छोड़ के जाते हैं लेकिन अगर मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा है वो एक आपसी संबंध बेहतर एक दूसरे के साथ बना के रखते हैं तो इससे कर्मचारियों को अपने कार्य करने में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उनका मुराइल बढ़ा रहता है वो मोटिवेटेड रहते हैं अपने कार्य को करने में प्रोत्साहन मिलता है उनको जिसकी वजह से उनका टर्नओवर रेट कम होता है वो लंबे समय तक संगठन के साथ जुड़े रहते हैं और एब्सेंटिज्म रेट भी उनका कम हो जाता है इसको इसीलिए किया जाता है ताकि स्ट्राइक्स लॉकआउट और घेराव जैसी सिचुएशंस जो हैं वो कम हो जाएं। संगठनों में इस तरीके की समस्याओं का किसी भी तरीके से हम रूप देख सकते हैं अगर हमारे आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो बहुत हद तक स्वाभाविक है कि आपके संगठन में हड़तालें हों तालाबंदी हो या घेराव जैसी घटनाएं हो सकती हैं तो हम इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए इनके एक्रेंस को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं हमारे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के वो आपसी संबंध बेहतर बने रहें इसके साथ ही ये इनक्रेज करता है और डेवलप करता है ट्रेड यूनियन को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्कर्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू कलेक्टिव बारगेनिंग ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कलेक्टिव बारगेनिंग के साथ भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है जिसमें हम प्रोत्साहन करते हैं कि हमारे कर्मचारियों का एक समूह बने जिसको हम ट्रेड यूनियन कह सकते हैं और अगर उनकी कोई बात है जिसको कि वो कहना चाहते हैं या वो कराना चाहते हैं मैनेजमेंट से तो वो उसको आगे रख सकें और मैनेजमेंट के समक्ष प्रत्यक्ष कर सकें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ सॉल्व किया जा सके और उनके प्रॉब्लम्स को उनकी ग्रीवियांस को ओवरकम किया जा सके ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से प्रदर्शित करें इसके साथ ही इसका उद्देश्य है डेवलप करना मेंटेन करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना हो कि एम्प्लॉई के पास कोई राइट right ही ना हो किसी भी तरीके का किसी भी बात को कहने का उद्योग के प्रबंधन और लाभ में कर्मचारियों की भागीदारी के आधार पर औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना उसका विकास और रख रखाव करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि इम्प्लॉइज़ का मैनेजमेंट के प्रति पार्टिसिपेशन हो और प्रॉफिट बढ़ाने में वो मदद करें उत्पादन को विनियमित करने और रोजगार की रक्षा के लिए उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना या जहां सार्वजनिक हित में उत्पादन को विनियमित करने की आवश्यकता होती है उसके लिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें गवर्नमेंट कंट्रोल को ओवर दी इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड फॉर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट और वेयर प्रोडक्शन नीड्स टू बी रेगुलेटेड इन दी पब्लिक इंटरेस्ट तो हम चाहते हैं कि हमारे संबंध ना केवल कर्मचारियों से बल्कि सरकार से गवर्नमेंट से भी हमारे जो संबंध हैं वो बेहतर बने रहें ताकि हमें संगठन के कार्य को करने में कहीं कोई परेशानी ना हो इसके साथ ही हम इंश्योर करते हैं एक हेल्दी एंड बैलेंस सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकें अपनी इंडस्ट्री में अपने संगठन में हम एक हेल्दी और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकें अगर रिलेशनशिप बेहतर होंगे आपके कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे सरकार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तो आपके संगठन में हो रहा कार बेहतर तरीके से होगा वहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे आप हेल्थ को और बैलेंस सोशल ऑर्डर को चलिए बात करते हैं दृष्टिकोण की आई के दृष्टिकोण क्या हैं किस प्रकार से हम अलग अलग अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं दृष्टिकोण को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को संगठन में बनाए रखने के लिए इसमें सबसे पहला है हमारा एकात्मक जिसको कि हम यूनिटरी अप्रोच का नाम देते हैं बहुलवादी जिसको हम प्लूरलिस्टिक अप्रोच देते हैं और तीसरा है मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी अप्रोच ये तीन तरीके की अप्रोचेज़ हैं जो अलग अलग संगठनों में इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटरी पर्सपेक्टिव की यूनिटी पर्सपेक्टिव क्या है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कुछ अजम्शन्स हम मान के चलते हैं और सबसे पहला अजम्पशन ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और जो नियुक्त करता हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो एक पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक फ़ैमिली की तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत बेहतर हैं उनमें आपस में कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं कोई ग्रीवियाज नहीं है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्य करते हैं तो कोर अजम्पन यूनिटरी अप्रोच का यही है कि मैनेजमेंट और स्टाफ है और जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन सब के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका जो उद्देश्य है कार्य करने का उनका जो इंटरेस्ट है जो पर्पस है कार्य करने का वो एक ही है एक ही तरीके के उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं जिसमें आपसी संबंध उनके बेहतर हैं और एक ही चीज़ को आ, अचीव करने के लिए उन्हें कार्य करना है तो यहाँ पर ये यह सबसे सब बड़ा जम्शन हम यूनिटरी अप्रोच का लेके चल रहे हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को अटेन करना चाहते हैं यूनिटी अप्रोच हैज़ अ पैनलिस्टिक अप्रोच वेयर इट डिमांड्स लॉयल्टी फ्रॉम ऑल दी एम्प्लॉयज़ इसमें इस अप्रोच में हम अपने सारे ही इम्प्लॉय से सारे ही कर्मचारी से हम ये ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे आ, संगठन के लिए वफ़ादार होंगे और अपना लॉयलिटी के साथ कार्य को करेंगे ये भी एक अजमशन हम इसमें मान के चल रहे हैं और ट्रेड यूनियंस आर डीम्ड एज़ अन एंड एंड इज परसीव्ड एज डिस्ट्रप्टिव इस अप्रोच में ये माना जाता है कि ट्रेड यूनियंस की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के आपसी जो संबंध हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं तो किसी भी इस तरीके के यूनियन की जरूरत नहीं है कि उनकी मांगों को उनकी बातों को वो अलग से आके रखें और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े का बात नहीं है अगर किसी के मन में कोई परेशानी भी है अगर तो वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकता है उसको इस तरीके का राइट और डेमोक्रेसी दी गई है कि वो अपनी बात 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 में आराम से बता सकता है उसको कोई समूह को समूह की ट्रेड यूनियन की कोई आवश्यकता नहीं है अपने बात को आगे रखने के लिए तो इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम इस यूनिटरी अप्रोच में लेके चलते हैं अगर हम एम्प्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिटरी अप्रोच की बात करें तो हम कहते हैं कि वर्किंग प्रैक्टिस जो हैं वो फ्लैक्सीबल हैं इंडिविजुअल शुड बी बिजनेस प्रोसेस इन्वॉलमेंट वो कार्य में मैनेजमेंट uh, का एम्प्लॉयर्स का हाथ बताते हैं मल्टी स्किल्ड हैं एंड दे आर रेडी टू टैकल विद एफिशिय वॉट एवर टास्क इज रिक्वायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने कार्य को हर समय करने के लिए तैयार रहते हैं जो भी कार्य वो Uh, करने को दिया जाता है मल्टी स्किल्ड हैं और उस कार्य को करने के लिए हर हर समय तत्पर तैयार रहते हैं इसके साथ ही इफ़ द यूनियन इज रिकॉग्नाइज इट्स रोल इज़ दैट ऑफ फर्दर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ स्टाफ एंड द कंपनी इसमें जो कम्युनिकेशन है आपस में कोई गैप नहीं है लोग आपस में अपनी बात को पूरा पूर्ण तरीके से कहते हैं और समझते हैं यदि किसी यूनियन को मान्यता दी जाती है तो उसकी भूमिका कर्मचारी के समूहों और कंपनी के बीच संचार के एक और साधन की होती है जैसा कि मैंने आपको बताया इसके साथ ही इसमें एम्फिसाइज़ किया जाता है गुड रिलेशनशिप एंड साउंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कि आपके कार्य करने के लिए आपको एक अच्छे कंडीशंस uh, 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 दी जाती हैं एक बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको मदद करता है एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन दी वर्क प्लेस डिसीजन इज इनेबल्ड उनका डिसीजन जो है वो लिया जाता है उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है दिस हेल्प इन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ इन देयर रोल्स एंड एम्फेसाइज टीम वर्क इनोवेशन क्रिएटिविटी डिस्क्रिशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी एंड ग्रुप सो इन सारी चीज़ों से जब पार्टिसिपेशन होगा एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में तो बहुत हद तक उसका जो टीम वर्क है वो बेहतर होगा नवचार वो लाएगा उसके अंदर नई क्रिएटिविटी आएगी रचनात्मक वो हो पाएगा समस्याओं के समाधान में वो बेहतर होगा उसका विवेक बढ़ेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी इन सारी चीज़ों में सुधार आएगा तो ये बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना चाहते हैं और एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन को हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम इस तरीके की अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं संगठनों में जहाँ पर हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है हम अपने कर्मचारियों के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं जहां पर हम एक दूसरे से अपनी बात कह पा रहे हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट के एक कॉमन गोल को अचीव करने की हम बात करते हैं इसी के आगे हम इम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि शुड फील दैट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजर्स सपोर्ट देयर एंड एंड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट यूनिटरी अप्रोच मीन दैट बेसिकली हम इसमें ये कह रहे हैं कि इम्प्लॉयज जो हैं वो ये उपेक्षा रखते हैं अपने एम्प्लॉयर से कि मैनेजर्स जो हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे उनके हर कार्य में उनको प्रोत्साहन प्रोत्साहन करेंगे और उनको जहाँ तक हो सके वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर कर सकें स्टाफिंग पॉलिसी शुड ट्राई टू यूनिफाई एफर्ट्स इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयीज़ वो चाहते हैं कि जो उनके कार्य में उनको एफर्ट्स दिए जाएं, सपोर्ट दिया जाए उनको इंस्पायर किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें और संगठन के व्यापक उद्देश्यों को कर्मचारियों के साथ उचित उचित रूप से संतरेष और चर्चा की जानी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अटेन करना चाहते हैं आपके संगठन के जो गोल हैं उन्हें आप पूरी तरह का पूरी तरह से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें डिस्कस करें अपने स्टाफ्स के साथ अपने कर्मचारियों के साथ ताकि उनको मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहते हो और उनको भी वही अचीव करने में मदद मिले तो एकजुट होकर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सेंट्रल पॉइंट पर काम करते हैं जहाँ पर जो मैनेजर्स हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको कम्युनिकेट किया हुआ है बताया हुआ है कि संगठन क्या पाना चाहता है उसका उद्देश्य क्या है उसका गोल क्या है और उसी के साथ वो अपने गोल्स को अलाइन कर लें तो इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम यूनिटरी अप्रोच का नाम देते हैं इसके साथ ही रिवॉर्ड सिस्टम शुड बी सो डिज़ाइन एज टू फॉस्टर सिक्योर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट आप इस तरीके से अपने संगठन का रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए जो आप इंसेंटिवस देते हैं या लोगों को जो आप प्रोत्साहन राशि देते हैं वो इस तरीके से दीजिए ताकि आपके जो लोग हैं आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके प्रति लॉयल रहें कमिटेड रहें उनको लगे कि उनके जो कार्य कर रहे हैं वो उसकी सहारना सराहना हो रही है और उनके कार्य को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है रिवॉर्ड किया जा रहा है तो जब उन्हें ऐसा महसूस होगा तो वो अपने कार्य के प्रति ज़्यादा लॉयल और कमिटेड रहेंगे लाइन मैनेजर शुड टेक ओनरशिप ऑफ देयर टीम स्टाफिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइन प्रबंधक हैं उन्हें अपने टीम की अपने लोगों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है यहाँ पर कि उनके हर चीज़ का हर छोटी बड़ी चीज़ का वो ध्यान रखेंगे ताकि वो अपने कार्य को मोटिवेटेड फॉर्म में कर सकें इसके साथ ही जो स्टाफ मैनेजमेंट का कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने की बात होती है एक यूनिटरी फ्रेमवर्क ये तैयार करते हैं ताकि वो अपने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडिकुएट रिप्रजेंटेशन और मैनेजमेंट पॉलिसी जैसी परेशानियाँ उनके सामने ना आए तो जब हम बात कर रहे हैं इस यूनिटरी अप्रोच की तो हम ये समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैनेजर्स जो हैं वो हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों का अगर वो ध्यान रखते हैं और उनको खुश रखते हैं उनको सेटिस्फाइड रखते हैं अपने कार्य में तो वो हर समय हर चीज़ को तैयार करने का, कार्य करने को तैयार रहते हैं और इसी प्रकार से एम्प्लॉयज से ये अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रकार जो मैनेजमेंट है उसका ध्यान रख रहा है उसी तैयार उसी प्रकार से वो अपने कार्य को करें लॉयल्टी के साथ कमिटेड होके कार्य करें मल्टी अपना टैलेंट शो करें अपने इनोवेशन शो करें और संगठन के उद्देश्य को उसके गोल को पूरा करने में उनकी मदद करें अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की जो दूसरा दृष्टिकोण है उसकी हम बात करेंगे जिसको हम यहाँ कह रहे हैं प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं बहुब बेसिकली इन प्लरिज्म में ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ पावरफुल एंड डाइवर्जेंट सब ग्रुप हम ये जानते हैं कि जो संगठन हैं संगठन में विभिन्न प्रकार के लोग कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स होते हैं तो ये बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात है जब किसी संगठन में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं उन अलग अलग कर्मचारियों के बीच के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं तो बहुत आमून सी बात है कि उनमें कुछ एक डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकें तो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन की यहाँ पर बात होती है जब मैनेजमेंट और जब अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग होती है एम्प्लॉयज़ की अलग अलग संगठन में ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं तब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अराइज होता है डिसअग्रीमेंट्स अराइज़ होते हैं मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज नॉर्मल एज इन एस्केपेबल तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लूरिस्टिक अप्रोच में आती हैं जब डिफरेंस होते हैं लोगों के ओपिनियन में जब डिफरेंसेस होते हैं उनके कार्य करने के तरीके में उनकी सोच में कन्फ्लिक्ट इज डेल्ट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इज़ व्यूड नॉट नेसेसरली एज अ बैड थिंग एंड इफ मैनेज कुड इन फैक्ट बी चैनलाइज टूवर्स एवोल्यूशन एंड पॉजिटिव चेंज इसमें यह भी धारणा रखी जाती है इस अप्रोच में दृष्टिकोण में कि कन्फ्लिक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपके मन में कोई भेदभाव है और आपको लगता है कि आपका थाट ऑफ ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है आपकी जो सोच है वो सामने वाले से नहीं मिलती है तो इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन हाँ आपसी संबंधों से एक कलेक्टिव बारगेनिंग के थ्रू हम इस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस पर बात की जा सकती है और इसके आउटकम्स को डिस्कस किया जा सकता है और हो सकता है कि इन डिस्कशन से कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस निकल के आए और हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें अपने संगठन के लिए उसको कार्य करने में जहाँ पर मदद मिल सके रियलिस्टिक मैनेजर शुड एबसेट टू अकर जो जो रियलिस्टिक मैनेजर होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि कन्फ्लिक्ट होना चाहिए और कन्फ्लिक्ट होना कोई गलत नहीं है कन्फ्लिक्ट होने से हम बेहतर सोल्यूशनस को निकाल पाते हैं ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत ही प्यार से कार्य करते रहें और कहीं कोई ग्रिव्यांसिस ना हो आपस में कोई मन मुटाव ना हो ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी निकल कर आती हैं तो यहाँ पर ग्रेटर प्रसपेंसिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट रादर देन हारमिनी इज बीन कंसिडर्ड एज अ अम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस अप्रोच जिसको कि हम प्लूरलिस्टिक परस्पेक्टिव नाम देते हैं द फर्म शुड हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल स्पेशलिस्ट हु एडवाइज मैनेजर टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग एंड मैटर्स रिलेटिंग टू यूनियन कंसल्टे एंड नैगोसिएशन यहाँ पर फर्म जो है वो एक बेहतर रिलेशनशिप की बात करती है कि कैसे पर्सनल स्पेशलिस्ट से वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें ताकि स्टाफिंग्स और अदर मैटर्स पे स्टाफिंग और अदर मैटर्स पे एक बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके कंसल्टेशन हो सके नेगोशिएशन हो सके जो उन लोगों की बातें हैं उस पर हम बेटर रिजल्ट निकाल सकें तो फर्म में औद्योगिक संबंध और कार्मिक विशेषक होना चाहिए जो प्रबंधों को सलाह दें और स्टाफिंग और यूनियन परामर्श के बातचीत में संबंधित मामलों के संबंध में विशेषक सेवाएं भी प्रदान कर सके इसके बाद ही हम बात करते हैं विवादों के समाधान में सहायता के लिए स्वतंत्र बाहरी मध्यस्थरों का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें हम एक्सटर्नल आर्बिट्रेटर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं हमें रिक्वायर्ड है उन उन पे ओवरकम करने की उन पर डिसीजन मेकिंग करने की तो हम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल आर्बिट्रेटर्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी भी हम मदद ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढने में यूनियन रिकोगनीशन शुड बी एनक्रेज एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव स्कोप टू कैरी आउट दियर रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटीज़ इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम ट्रेड यूनियस को बनने से नहीं रोकते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें हम इनक्रेज करें और अगर उनकी कोई बात है अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वह अपने स्कोप को कैरी uh, कर सकें अपने अपने ड्यूटीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर तरीके से निभाएँ और अपनी समस्याओं को आगे लेकर आएँ कॉम्प्रीहसिव कलेक्टिव एग्रीमेंट शुड बी नेगोशिएटेड विद द यूनियन इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कलेक्टिव फॉर्म में कलेक्टिव बार्गेनिंग के फॉर्म में उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं और एक बेहतर एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम इस अप्रोच को नाम देते हैं प्लूरलिस्टिक अप्रोच यूनिटी अप्रोच ये मान के चल रहा था जहाँ पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में कहीं कोई डिफरेंसेस ना हो एक फैमिली की तरह वो कार्य करें और इसमें हम अज्यूम कर रहे थे कि एम्प्लॉयर वो सारी चीज़ें करे जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है और एम्प्लॉई वो सारी चीज़ें करे जो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है तो इनके आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं वेयर वेरेस्ट प्लिस्टिक अप्रोच ये मान के चलता है कि क्योंकि संगठन में बहुत सारे तरीके के लोग कार्य करते हैं उनके सब ग्रुप्स बन जाते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो हैं वो कन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं और रियलिस्टिक मैनेजर का ये मानना है कि कन्फ्लिक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है आपसी अगर उनके मन में कोई मन मुटाव है तो वो होना स्वाभाविक है जब कार्य कर रहे लोगों में अंतर होता है तो उनमें डिफरेंसेस आना स्वाभाविक बात है तो उन डिफरेंसेस को हम कैसे ओवरकम करेंगे कैसे हम उन पर डिस्कशन कर सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसको पॉजिटिव सेंस में मान के चलते हैं ये उस तरीके की अप्रोच है इसके बाद हमारे पास जो तीसरी अप्रोच है उसको हम मार्क्सिस्ट अप्रोच कहते हैं मार्क्सिस्ट प्रेजेंट प्रजेंटिव कहते हैं इसको कार्ल मार्क्स ने दिया था इस अप्रोच को और ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है फ़ंडामेंटल डिवीज़न ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर यहाँ पर क्या है बेसिकली आप देखेंगे कि रिलेशनशिप बैकग्राउंड का जो इनके इनके बीच में आपसी संबंध जो हैं वो रिलेशनशिप जो बेसिस है वो कैपिटल uh, uh, और लेबर के बेसिस पे हैं इस अप्रोच में भी हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं वो रहते हैं और कन्फ्लिक्स अराइज अराइज़ होते हैं बिटवीन दी मैनेजर एंड दी एम्प्लॉयर बिटवीन दी मैनेजर एंड दी एम्प्लॉई लेकिन ये जो कन्फ्लिक्टाइज़ हो रहे हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की वजह से नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कन्फ्लिक्ट हो रही हैं वो कैपिटलिज्म की वजह से ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से जो एम्प्लॉज़ हैं वो आपके कन्फ्लिक्ट रेस कर सकते हैं जब मैनेजमेंट ये मान के चले कि उनको ग्रो करना है और उनको ग्रो करने के लिए इम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट शेयर कराने की ज़रूरत नहीं है वो जो भी कर रहे हैं वो अपने ग्रोथ के अपने डेवलपमेंट के प्रति करते रहें और अपने बारे में जब वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं बजाय अपने कर्मचारियों को वो सुख सुविधाएं देने के लिए जो उनको मिलनी चाहिए तो इस तरीके की जो कन्फ्लिक्टाइज होती हैं वो मार्किस्ट परस्पेक्टिव uh, में देखी जाती हैं सो कन्फ्लिक्ट इज देयर फॉर सीन एज इन एविटेबल एंड ट्रेड यूनियंस आर दी नेचुरल रिस्पॉस ऑफ वर्कर टू देर एक्सप्लाइटेशन बाई कैपिटल इस अप्रोच में भी कन्फ्लिक्ट को नेचुरल माना गया है जो विवाद हैं वो होना uh, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होंगे विवाद होना नेचुरल है ट्रेड यूनियंस का बनना नेचुरल है लेकिन ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात करते हैं अगर किसी भी प्रकार से कैपिटलिज्म के द्वारा उनके राइट्स को रोका जाता है सो वीकनेस एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन इनहारेंट इन दी कैपिटलिस्टिक सिस्टम वो रिजल्ट इन रिवोल्यूशन एज एंड असेंडेंसी ऑफ सोशलिज्म ओवर दी कैपिटलिज्म तो यहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म क्या करता है मोनोपोलीज को फोस्टर करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस को मोनोपोली की तरफ़ ले जाता है और जब मोनोपोली बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज़ के राइट right पर उनके उनकी उनके अधिकार को बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं और अपनी मनमानी और अपनी चीज़ों को ज़्यादा करते हैं वेजेस वुड बी मिनिमाइज टू दी सब्सटेंशियल लेवल अपनी मनमानी करने में वो क्या करते हैं उनकी जो वेजेस हैं उनका दर कर कर कम कर देते हैं जिससे एम्प्लॉज़ को कार्य करने में दिक्कत आती है परेशानी आती है और फिर ट्रेड यूनियंस से साथ मिलके वो अपनी बात को आगे रखते हैं कैपिटलिस्टिक्स एंड वर्कर्स वुड कंपीट बी इन कंटेंशन टू विन ग्राउंड एंड एस्टेब्लिश डयर कंसेंट विन लूज स्ट्रगल वुड बी एविडेंट तो यहाँ पर मेन बात हमें ध्यान देनी होगी कि कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे कि दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ओवरकम कर सकें संगठन ये समझें कि एम्प्लॉयीज़ के लिए उनको कार्य कराना कितना ज़रूरी है उनको वो सारी चीज़ें देनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें इसके बाद ही हम बात करते हैं कुछ सजेशंस की कुछ मेजर्स की जो बेहतर करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ऐसे क्या सुझाव और उपाय हैं जिसकी वजह से हमारे जो मैनेजमेंट के और इम्प्लॉइज़ के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर किया जा सके सबसे पहले इसमें शीर्ष प्रबर्धन का समर्थन बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट जो है आपके संगठन का जो वो आपको सपोर्ट करे तभी आप अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रख सकते हैं तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट यहाँ पर अनिवार्य है अगर वो आपको आपको सपोर्ट करते हैं तो आप एक बेहतर रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बना के रख सकते हैं आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो चलिए बात करते हैं सजेशंस और मेजर्स की सुझाव और उपाय क्या हैं कैसे हम अपने संगठन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट आपका जो टॉप मैनेजमेंट है जो शीर्ष प्रबंधन है उसका समर्थन बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपके संगठन में मैनेजर्स का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बेहतर हो तो मैनेजर्स और रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर तभी होगा जब टॉप मैनेजमेंट का उनको सपोर्ट होगा दूसरा इसमें आता है जब आपके संगठन की जो पॉलिसीज़ हैं पर्सनल पॉलिसी जो इम्प्लॉय से रिलेटेड आपने नियम कायदे कानून बना रखे हैं वो साउंड होने चाहिए हैं जिसको कार्य करने में लोग बेहतर तरीके से कार्य कर सकें और उनको कार्य करने में सेटिस्फैक्शन मिल सके सं, संतोष मिल सके तभी उस कार्य को वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उनके मन में ग्रीव्यांसिस नहीं आएंगे तीसरा इसमें है कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसको कि हम सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे तरीके से हो रही है जो ट्रेड यूनियंस और मैनेजर्स के बीच में डिस्कशन होता है जिसके बेसिस पे वो आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं और जो दोनों के लिए ही बेहतर होते हैं ऐसा आउटकम निकाला जाता है जिसमें मैनेजर्स भी सैटिस्फाइड हों और एम्प्लॉयज़ भी सेटिसफाइड हों अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग बेहतर सोल्यूशन लेकर आता है तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं वो मधुर बने रहते हैं ट्रेड यूनियन एंड साउंड एम्प्लॉय यूनियन होना चाहिए आपके संगठन में ताकि इम्प्लॉयज़ सुरक्षित महसूस कर सकें उन्हें लगे कि अगर उन्हें अपनी बात कहनी है तो उनके पास भी एक एसोसिएशन है एक यूनियन है जो उनकी बात आगे मैनेजमेंट तक पहुंचाने में सक्षम है और मैनेजमेंट फिर उनको उसी तरीके से डील करें इसी के साथ साथ एक बेहतर रिलेशनशिप uh, को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवियां रिड्रेशन मशीनरी बनाएं आप ऐसा कोई एक जरिया बनाएं जिसके द्वारा अगर किसी इंप्लॉय के मन में कोई ग्रीव्यांश है कोई कोई परेशानी है कहीं कन्फ्लिक्ट है तो वो वहाँ जाके अपनी बात को कह सके अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल सके और अपनी टेंशन को आ, कम कर सके ये सारी जो स्कीम्स हैं वो मदद करती हैं अपने आपके वर्कर्स को और बेहतर कार्य करने में ताकि वो अपनी समस्याओं को कह सकें और कहकर अपनी बात से फ्री हो जाएं और उनके उनके ऊपर उनको समझाया जा सके ताकि उनके मन में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो क्योंकि ये ग्रीवियंसिस ही हैं जो उनके प्रोडक्टिविटी को उनके कार्य को रोकती हैं कम करती हैं जॉब सुपरविजन सुपरवाइजर शुड बी ट्रेन थॉरली टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रेक्टिस एज वेल एज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विच हेल्प दैम टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड कैरीड इन टू इफेक्ट आपके जो सुपरवाइजर्स हों संगठन के वो बेहतर हों आपके कार्य को वो बेहतर तरीके से बता रहे हों आपको कम्युनिकेट कर रहे हों तो अगर आपके सुपरवाइजर सपोर्टिव होते हैं आपके कार्य को बेहतर तरीके से समझा पाते हैं आपको सुपरवाइज करते हैं ट्रेनिंग देते हैं तो आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं और आपके आपसी संबंध बेहतर हो पाते हैं अ रेगुलर फॉलो ऑफ आई आर प्रोग्राम डिज़ असेंशियल सो एज टू एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसज मे बी प्रॉपरली इवेलुएटेड एंड चेक मे बी एक्सरसाइज ऑन दी सर्टेन अनडिज़ायरेबल टेंडेंसी शुड दे मैनिफेस्ट दैम सेल्फ प्रॉपरली एक आई आर प्रोग्राम जो है वो चलता रहना चाहिए जिसमें आप चेक करते रहें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में और आपके बीच में कैसा संबंध है अगर कोई उनके आपके आप लोगों के संबंध के बीच में अगर कोई ग्रीव्यांश आ रहा है किसी के मन में कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको आप समय समय पर रेगुलरली उसको फॉलोअप करते रहें और उसको धीरे धीरे कम करते चलें इसके बाद ही हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर आपके आपसी संबंध अच्छे हैं अगर संगठन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो संबंध हैं वो मधुर हैं तो किस प्रकार से वो संगठनों को मदद करती है सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे औद्योगिक शांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके संगठन में इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन अच्छा होता है तो इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है लड़ाई झगड़ा नहीं होता स्ट्राइक लॉकआउट या बॉयकॉट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं इन सारी समस्याओं को आपका सम, आपको समस्याओं को नहीं देखना पड़ता है आप इससे बचे रहते हैं दूसरा इससे आपको फ़ायदा मिलता है आपके जो कर्मचारी हैं उनका जो मुरैल है वो हाई रहता है क्योंकि उन्हें फील होता है कि जो मैनेजमेंट है जो एम्प्लॉयर है उनके बारे में सोचता है उनको पूरी आज़ादी देता है कार्य करने की उनको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है उनकी बातों को सुना जाता है उनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो उनका जो मोटिवेशन है उनका जो मनोबल है वो बड़ा रहता है और जब उनका मोटिवेशन और या मुरैल हाई रहेगा तो वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे तीसरा इसमें मानसिक क्रांति रहती है आपका मेंटल रेवोल्यूशन होता है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक सेंस ऑफ सैटिस्फेक्शन रहता है कि आपके एम्प्लॉयीज़ जो हैं आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं आपके बारे में अच्छा कर रहे हैं आप ये ध्यान दे रहे हैं आपकी ज़रूरतों का आप ध्यान रख रहे हैं तो एक मेंटल रेवोल्यूशन आता है इसमें लोगों की सोच में परिवर्तन आता है और जब उनकी सोच में परिवर्तन आता है तो अपने तो कार्य को और बेहतर तरीके से करने लगते हैं उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपकी बर्बादी कम हुई और उत्पादकता बढ़ती है जब लोग कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं और एक एक ये समझते हैं कि ये हमारे यहाँ ही संगठन हैं जब उससे जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस प्रकार हम अपनी चीज़ों को देख रख रखवा रख अच्छे से करते हैं इसी तरीके से अगर संगठन में कर्मचारियों को ये महसूस होता है या उनको ये फील होता है कि ये संगठन हमारा ही है और यहाँ की चीज़ों को ध्यान से रखेंगे तो हमारा ही इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्योंकि मैनेजमेंट से उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है तो उसको अपना समझ के कार्य करते हैं और जब वो अपना समझ के कार्य करते हैं तो चीज़ों की बर्बादी कम होती है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की क्षमताएँ है, जो हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी ही होती है इसके साथ ही श्रमिक विकास के लिए आप कार्यक्रम करते रहते हैं तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके इम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट की आप बात करते हैं और जब डेवलपमेंट होता है तो वो अपने करियर को भी आगे ग्रो करा सकते हैं अपनी करियर प्लानिंग कर सकते हैं इससे इम्प्लॉज़ जो हैं वो बेहतर फील करते हैं आप समझ पाते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं किस प्रकार से उन्हें कार्य में अपने नॉलेज को स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है उसके बारे में आपको समय समय पर पता चलता रहता है और आप ऐसे कार्यक्रम लागू रखते हैं अपने संगठन में जिससे उनका विकास हो चलिए बात करते हैं अब दूसरी चीज़ की जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की अभी तक हमने चर्चा की थी कि आपसी संबंध कैसा होता है या कैसा होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में और उसको बेहतर होने से किस प्रकार से हमें फ़ायदे होते हैं हमारे संगठन को एक फ़ायदा देखने को मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी संगठन में कहीं ना कहीं कहीं ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं जिसको कि हम नाम देते हैं औद्योगिक विवाद का आपके एम्प्लॉयीज़ को कितना भी आप कोशिश करें संतुष्ट रखने की बट कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती ही हैं जिसको कि हम विवाद के रूप में आगे जानेंगे तो औद्योगिक विवाद क्या है औद्योगिक विवाद अक्सर कर्मचारी और नियोक्ताकर्ताओं के बीच शोषण अविश्वास और असंतोष की भावना से घिरे रहते हैं जब इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में एक्सप्लॉयटेशन जैसी फीलिंग हो डिस्ट्रस्ट हो डिसकंटेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का और अगर हम आसान भाषा में कहें डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ऑन इंडस्ट्रियल मैटर नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में हमने कहा था कार्य कर रहे कर्मचारियों के से उत्पन्न होते हुए जो भी रिलेशनशिप हैं उसको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं ऐसे ही कार्य करने में जो भी विवाद होते हैं इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के नाम से जानते हैं जी जो डिस्प्यूट टर्म है वो कई सारी विशेषताओं को बताता है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे विवाद मुख्य रूप से नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच झगड़े से संबंधित है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो आपसी डिफरेंसेस होते हैं या उनके बीच में जो झगड़े होते हैं उसको हम नाम देते हैं डिस्प्यूट का दोनों में डिफरेंसेस हो आपस में उनका जो दृष्टिकोण हो या उनके जो पर्सपेक्टिव हैं अगर वो डिफरेंस रखते हैं उनमें अगर अगर एक मत नहीं है तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके काम से संबंधित या औद्योगिक मामलों से जुड़े मुद्दे रहते हैं आप जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने में जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं जो दिक्कतें हो रही हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इस डिस्प्यूट में कंसिडर कर सकते हैं विवाद श्रमिकों को के समूह या वर्ग द्वारा उठाया जाना चाहिए डिस्प्यूट मस्ट बी रेज बाई दी ग्रुप और अ क्लास ऑफ वर्कमैन जो डिस्प्यूट जो आवाज़ उठाने को हम बात करते हैं अगर कोई समस्या है कर्मचारी को और ग्रुप ऑफ पीपल को तो वे मिलके जब अपनी बात को उठाते हैं जब अपनी वॉइस को रेज करते हैं मैनेजमेंट के सामने तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नाम देते हैं एक या दो कर्म कामगारों और उनके नियोक्ताओं के बीच विवाद कोई औद्योगिक विवाद नहीं है डिस्प्यूट बिटवीन वन और टू वर्कमैन एंड देयर एम्प्लॉयज आर नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब होगा जब ग्रुप ऑफ पीपल जब वो उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं या ट्रेड यूनियंस के बीच में जब डिफरेंसेस होते हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नाम देते हैं इसमें आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की अलग अलग प्रकार से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसमें सबसे पहले होती हैं हड़तालें स्ट्राइक्स जिसको हम बोलते हैं ताला लगाओ जो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है वो लॉकआउट कर देते हैं घेराओ धरना जिसको हम पिकटिंग कहते हैं या बहिष्कार करना बॉयकॉट जिसको हम कहते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और स्ट्राइक्स क्या होती हैं स्ट्राइक्स कई प्रकार की होती हैं जिसको कि हम आ, आ, कह सकते हैं कि हड़ताल जो अपने एम्प्लॉइज करते हैं जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं या जो भी वो मैनेजमेंट से चाहते हैं अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर देते हैं और अलग अलग तरीके से वो स्ट्राइक कर सकते हैं जैसे इसमें सबसे पहले आर्थिक हड़ताल इकोनॉमिक स्ट्राइक के रूप में वो की जा सकती है सहानुभूति के रूप में स्ट्राइक की जा सकती है जिसमें वो सिंपथी गेन करना चाहते हैं आमतौर पर जनरल वे में जो स्ट्राइक की जाती है जहाँ एम्प्लॉज जो हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं संगठनों के लिए और उनको परेशान करते हैं ताकि वो इम्प्लॉज़ जो इम्प्लायर्स जो हैं वो उनकी मांगों को पूरा कर सकें हड़ताल स्थापित करना बैठ जाते हैं धरना दे देते हैं कि कार्य नहीं करेंगे काम को धीरा कर देते हैं काम की गति जो है वो धीरे कर देते हैं प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं कार्य करना कम कर देते हैं ये भी एक स्ट्राइक का ही फॉर्म है या भूख हड़ताल पे चले जाते हैं लोग अनशन पे बैठ जाते हैं खाना नहीं खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना करने की कोशिश करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनकी मांगों को उनकी चीज़ों को पूरा कर सकें तो ये एक तरीका है अपनी आ, डिस्प्यूट्स को आगे दिखाने का इसके बाद आता है लॉकआउट ये लॉकआउट बिल्कुल ही ऑपोजिट है स्ट्राइक का स्ट्राइक जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाती है जबकि लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है जिसमें वो तालाबंदी कर देते हैं तालाबंदी हड़ताल का प्रतिरूप है तालाबंदी से श्रमिकों पर अपनी शर्तों से सहमत होने या इकाइयों को बंद करने का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव दिया जाता है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपर हैंड्स रखते हैं और वो कहते हैं कि अगर उनकी बातों को नहीं माना जाएगा या उनके हिसाब से कार्य को नहीं किया जाएगा तो वो तालाबंदी कर देंगे लॉकडाउन कर लॉकआउट कर देंगे और तालाबंदी को प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच शक्ति प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है तालाबंदी का मतलब है नियोक्ताओं अपने कार्यखाने को बंद कर देता है और जहाँ उसके कर्मचारी कार्यरत हैं क्योंकि वे विवाद के लंबित रहने के दौरान उन्हें अपनी सेवाओं की शर्तों और शर्तों से सहमत होने के लिए मजबूर करना चाहता है तो इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो अपनी शर्तों को अपनी मांगों को पूरी कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इम्प्लॉयज़ उनके हिसाब से उनके टर्म्स एंड कंडीशन्स पर कार्य करें इसकी वजह से वो उन पर दबाव देते हैं कि अगर वो कार्य को इस प्रकार से नहीं करेंगे तो वो लॉकआउट कर देंगे तालाबंदी कर देंगे इसमें तीसरा जो तरीका है उसको हम नाम देते हैं घेरना घेराव का नाम देते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार घेराव प्रभावित व्यक्तियों पर शारीरिक दबाव डालता है और न केवल औद्योगिक संबंध को खतरे में डालता है बल्कि कानून और व्यवस्था की समस्याओं को भी पैदा करता है तो अगर हम नेशनल कमीशन ऑन लेबर के द्वारा देखें तो घिराव उनके ऊपर एक फिजिकल डिस्ट्रेस पैदा करता है पर्सनल इससे अफेक्टेड होते हैं नॉट ओनली इंडस्ट्रियल हारमोनी बट आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इससे क्या होता है कि जो आ, सरकारी जो लॉ ऑफ ऑर्डर है उसमें भी समस्याएं पैदा होती हैं अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आपसी संबंध अच्छा नहीं रहता इसके अलावा पिकेटिंग होती है पिकेटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं अपने एम्प्लॉज़ को आ, काम करने से रोक देते हैं आप फैक्ट्री के गेट पर इस तरीके से लोगों को खड़ा कर देते हैं ये लीगल तरीका है नॉन वायलेंस का एक तरीका है जिसमें आप उनको आने नहीं देते और कार्य करने नहीं देते हैं ये मुख्य रूप से विवादों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है और ये कानूनी है इसलिए इसमें कोई हिंसा शामिल नहीं होती और धरना प्रदर्शन में फैक्ट्री के गेट पर तैनात कुछ व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों को कार्य करने पर आने से रोक दिया जाता है उनको कार्य नहीं करने दिया जाता जो ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा बॉयकॉट एक तरीका है जिसको कि हम बहिष्कार का नाम देते हैं बहिष्कार का उद्देश्य बलपूर्वक अपील और नकारात्मक व्यवहार व्यवहारकृतों के माध्यम से किसी उद्यम के सामान्य कामकाज को बंधित करना है इसका मतलब यह है कि आप क्या करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग जो है आपके एंटरप्राइजेस की उसको फोर्सफुली अपील और नेगेटिव बिहेवियर्स के तरीके से आप एक्ट करने लगते हैं आप उन कार्य को करने से रोक देते हैं जो आपसे कहा जाता है आप आप बहिष्कार करते हैं उन कार्य का जो आपसे एम्प्लॉयर कहता है और आप नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करने लगते हैं उस तरीके को हम कहते हैं बॉयकॉट कि आप उनकी कई चीज़ों को जब ना करें तो आप क्या कर रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं बहिष्कार करने लगते हैं चलिए जानते हैं कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स के जो इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट होते हैं या जो आपसी विवाद हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सबसे पहला है वेतन और भत्ते ये जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इम्प्लॉई जो है सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहता है उसके पेमेंट्स पे किस प्रकार से उसको वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं अगर संगठन वेतन और भत्ते अच्छे प्रकार से नहीं दे रहे हैं या उनको उस प्रकार से नहीं मिल रहा है जिससे कि एम्प्लॉयीज़ को संतुष्टि हो या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा हो सकता है दूसरा है यूनियन राइबर बहुत सारे यूनियंस बन गए हैं ट्रेड यूनियंस बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और आपस में उनमें नहीं बन रही है उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट होने के बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी बहुत हद तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं वो अपने अपने तरीके से कार्य को कराना चाहते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं प्रबंधनीय कारण हो सकते हैं मैनेजरियल कॉजिज uh, हो सकते हैं मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज़ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस प्रकार से हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट होते हैं और कई बारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी अनुचित श्रम आचरण अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप अपने एम्प्लाईज़ को बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और अनफेयरली ट्रीट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके संगठन में विवाद होगा ही होगा तो आइए जानते हैं अनफेयर प्रैक्टिस क्या हैं किस प्रकार की आचरण को हम अनुचित श्रम के रूप में जानते हैं सबसे पहले टू इनकेज और डिस्करेज मेम्बरशिप इफ एनी ट्रेड यूनियन बाई डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वर्कमैन अगर आप अपने कर्मचारियों को किसी ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करने से डिस्करेज करते हैं या इनक्रेज करते हैं ज़बरदस्ती वो ज्वाइन करें या ज़बरदस्ती ना करें आप उनको अनफेयर तरीके से श्रमिकों के साथ भेदभाव करके किसी भी ट्रेड यूनियन में सभ्यता को प्रोत्साहित या हस्तोशाहित करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो एक गलत तरीका है ये उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे या म्यूचुअल इंटरेस्ट पे डिपेंड करना चाहिए कि वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते अगर आप उनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं दोनों ही कार्य के लिए करने या ना करने के लिए तो ये गलत होगा टू डिस्चार्ज और डिसमिस वर्कर आप किसी भी कर्मचारी को अगर निकाल देते हैं कर्मचारी को प्रच्युत करना या प्रच्युत कराना आप उसको डिस्चार्ज कर दें उसको कर दे, फायर कर दें उसको किसी भी कारणवश तो वो एक सही तरीका नहीं है ये एक बहुत हद तक अनफेयर प्रैक्टिस है और ये कारण बनती है विवाद का टू इंडल्ज इन एक्ट ऑफ फोर्स और वॉयलेंस अगर आप किसी भी प्रकार से वॉयलेंस करते हैं बलपूर्वक या हिंसा के तरीके आप शामिल करते हैं अपने कार्य करने में तो ये बहुत हद तक गलत है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट आपके इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट होना बहुत हद तक संभव है इसके अलावा टू रिफ्यूज़ बार्गेनिंग कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद द रिकोगनाइज ट्रेड यूनियन आप लोगों के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से मना कर दें जबकि ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस जो हैं जो रिकोगनाइज ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ भी अगर आप Uh, जो आपकी बारगेनिंग है वो आप मना कर दें और उनकी बातों को ना सुने तो ये भी एक गलत होगा एंड टू इंसिस्ट अपॉन इंडिविजुअल्स वर्कमैन हु आर ऑन लीगल स्ट्राइक टू साइन अ गुड कंडक्ट बॉन्ड एज प्री कंडीशन टू अलाउंग दैम टू रिज्यूम वर्क और अगर आप ऐसे किसी कर्मचारी से जो स्ट्राइक पे गया हुआ है आप उससे लिखित में साइन कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं कि अगर आप दोबारा कार्य पे आएंगे तो आप इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस में ही आता है कि अगर वो इस तरीके से किसी भी तरीके की स्ट्राइक करते हैं हड़ताल करते हैं तो आगे उन्हें संगठन से निकाल दिया जाएगा ये एक सही तरीका नहीं है तो अगर ये अनफेयर प्रैक्टिसेस का फॉलो होता है संगठनों में इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके यहाँ पर विवाद होगा और वो विवाद किसी भी रूप में आगे बढ़ सकता है आगे बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रोक सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम इसको रोक सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मानसरता संवर्धन बोर्ड है हमारे पास आर्बिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड है उसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं शिकायत निवारण प्रक्रिया के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं इंप्लीमेंटेशन मशीनरी के द्वारा हम रोक सकते हैं वर्कमेंस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ट्राई पार्टाइट बॉडीज़ के थ्रू हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आइए जानते हैं इनके बारे में कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसमें हम अपने जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ आपस में बैठ के समझौता करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के अपनी बात को कहकर एक दूसरे के साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस ज़रिए को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम देते हैं नेशनल आर्बिट्रेशन प्रमोशन एक ऐसा संगठन है जो 1967 में स्टार्ट हुआ था और माध्यमस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तृतीय तृतीय पक्ष सौदेबाजी की स्थिति का अध्ययन कराता है दोनों पक्षों को सुनता है और जानकारी इकट्ठा करता है और फिर पार्टियों के आधार पर सिफारिशें करता है तो ये एक बेसिकली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आप तीसरे पक्ष को इंक्लूड करते हैं और वो दोनों ही पक्षों की बात को सुनता है और आपस में एक दूसरे के समझौते को कराने की कोशिश करता है इसके बाद आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर है आप एक ऐसा प्रोसेस तैयार करते हैं जहाँ पर आपके कर्मचारियों की जो भी शिकायत है या जो किसी भी बात से वो असंतुष्ट हैं अपने रोजगार से संबंधित अपनी कोई भी भावना या किसी भी प्रकार की किसी समस्या को वो कहना चाहते हैं तो वो इस प्रोसेस के थ्रू अपनी मांग को बता सकते हैं अपनी परेशानियों को वो आगे बढ़ा सकते हैं ताकि मैनेजमेंट तक उनकी प्रॉब्लम्स पहुंच सकें और फिर उनका सोल्यूशंस ढूंढा जा सके म्यूचुअल नेगोशिएशन के द्वारा इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी श्रमिकों और नियोकंत्राओं के केंद्रीय संगठनों में मुकदमेबाजी को कम करने की दृष्टि से औद्योगिक विवादों के मामले में अदालतों में ले जाने से पहले स्क्रीनिंग करने के लिए मशीनरी स्थापित की है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी का नाम देते हैं ये तीनों ही लेवल पे इस्टेब्लिश रहती है प्लांट लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे तो ये जो मशीनरी है ये ऑपरेट करती है कि आपके बीच में जो भी वाद विवाद हो रहे हैं उसको आप कोर्ट तक ले जाने की बजाय एक 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 पर्टिकुलर कंसल्टेटिव लेवल पे कंसल्टेटिव मशीनरी के सामने आप लेकर आए अपनी समस्याओं को और एक दूसरे की समस्याओं से ओवरकम करने की आप कोशिश करें तो उसको हम नाम देते हैं इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी का इसके साथ ही हम दूसरा एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम अपने इम्प्लॉज़ को पार्टिसिपेट कराएं मैनेजमेंट के कार्यों में हम हम उनको जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कराएंगे जितना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करेंगे उतना ही हमारे डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो सकते हैं और इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए आप वर्क कमेटीज़ बना सकते हैं जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स बना सकते हैं शॉप काउंसिल्स बना सकते हैं या जाऊंट जॉइंट काउंसिल बना सकते हैं जिसमें आप सब मिल आपस में कार्य करें तो जब कार्य एम्प्लॉज़ के मिल के होगा उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा तो धीरे धीरे करके उनके जो ग्रीवियांज़ हैं जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम ओवरकम कर पाएंगे इसके साथ ही आपकी ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ होती हैं ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ कंपोज करती हैं एम्प्लॉई एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को जो सेटअप करते हैं कंसल्टेसन डिस्कशंस होता है जहाँ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है और उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है तीन लोग मिल के एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट जब तीनों लोग मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स का तो उसको हम टप्राटाइट बॉडीज़ का नाम देते हैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक गवर्नमेंट इनेक्टेड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर है जो कि 1946 में आया था फॉर अवॉइडिंग फ्रिक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन ओवर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये अधिनियम प्रतिष्ठान के नियुक्तों के उपे अपेक्ष करता है कि वे अपने अधीन रोजगार की स्थिति को पर्याप्त सटीकता के साथ स्पष्ट करें और सभी श्रमिकों को इस बारे में बताएं ऐसी शर्तों की कमियों में भर्ती सेवा मुक्त अनुशासन कार्रवाई छुट्टियाँ छुट्टियाँ आदि शर्तें शामिल रहती हैं तो आप अपने एम्प्लॉज़ को जब सारी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उनको सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बताते हैं तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होते हैं तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ये कहता है कि आपको क्या करना है एम्प्लॉइज़ के लिए किस तरीके से उनके लिए कम्युनिकेट uh, करना है उनकी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना है अगर आप वो सही तरीके से करेंगे तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे इसके बाद ही सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे किया जाता है औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल होता है जैसे हमने कहा कि हम इसमें एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं समझौते के द्वारा हम अपने विवादों को आ, रोक सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग जहाँ ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं अनुशासन संहिता कोड ऑफ डिसिप्लिन के थ्रू क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए क्या नियम सही है और क्या गलत है किसकी मांगे सही हैं किसकी मांगे गलत हैं उसके हिसाब से उनका डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है ग्रीवियंस प्रोसीजर के द्वारा शिकायत करने की प्रक्रिया के द्वारा भी डिस्प्यूट्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है एजुडिकेशन के द्वारा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही कंसल्टेटिव मशीनरी जो कि सेटलमेंट के लिए बनाई गई हैं कोर्ट में ले जाने से पहले यहाँ पर आप अपनी बात को कहें और उसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें जो प्लांट लेवल इंडस्ट्री लेवल नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे वर्क करती है इसके साथ ही हमारे इस व्याख्यान के कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इस व्याख्यान के कंटेंट को लिया है उसको आप देख सकते हैं और आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का